Hello everyone, dear students, we are here with another video for class 10. The chapter is resource and development. So what is a resource? Resource kya hai? Jaise humne pehle bhi padha hai resource ke bare mein. Class 8 mein bhi ye chapter hua karta tha, class 9 mein bhi aapne kuch padha hai iske bare mein. Jaise human as a resource. To resource ka matlab hota hai sansadhan. Ab sansadhan kai prakar ke ho sakte hain. Jaise maine bola human as a resource, to hum bhi ek tarike ke resource hai. Jab hum desh ke kaam aaye, hum hamare आसपास के लोगों के काम आए, समाज के काम आए, तो हम एक रिसोर्स बन जाते हैं. जो कुछ काम का नहीं होता है, दैट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स. ओके, सो हम पहले रिसोर्स समझ लेते हैं. व्हाट इज अ रिसोर्स? सो इट हैज थ्री बेसिक पॉइंट्स, दैट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उस तक आपकी पहुंच है, वो एक रिसोर्स होता है. जैसे हम अगर क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो हम समुद्र के अंदर पाइप डाल करके, ड्रिल करके वो बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हम कोल यानी कि कोयला खदानों में से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. रिसोर्स है, उस तक पहुंच भी है. सो दैट इज टेक्नो एक्सेसिबल. देन वी आर इकोनॉमिकली फिजिबल. अब ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कि वित्तीय रूप से हमें काम में आ सके. पता चला कि 1 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, सो इट मेक्स नो यूज. ओके, भले ही वो कितनी अच्छा रिसोर्स हो, पर एक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें देखना होता है. हम तो खैर इंडियन है, गाड़ी देखने जाते हैं, पहली चीज क्या पूछते हैं? कितना देती है, मतलब क्या कि एवरेज माइलेज उसका कितना है. तो हम लोग देखते हैं कि उसमें इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी है कि भी नहीं. देन फाइनल चीज होती है कल्चरली एक्सेप्टेबल. अब हर एक कंट्री का कल्चर अलग होता है. अगर आप ऐसा कोई रिसोर्स डेवलप कर लो जो कि हमारे कल्चर से मैच ना करे, फॉर एग्जाम्पल कि हमने पशुओं को मार करके कोई एक ऐसा ऑयल बना लिया और उस ऑयल का हमने यूज करने लग गए, तो मेरे हिसाब से हमारे देश में वो काम नहीं करेगा. खासकर अगर हम बात करें हमारे पूजनीय जो जो है, जैसे गाय है या कोई दूसरे भी पशु है, जो अलग अलग जगह सांप है, जो कि एक तरीके से एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं या जिनके ऊपर बर्डन ऑलरेडी बहुत है, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा. ठीक है, सो अ रिसोर्स इज व्हाटएवर व्हिच कैन बी टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. ओके, अब व्हेन यू जॉइन ऑल दीज थ्री पॉइंट, तो ह्यूमन बीच में एक अकेला मीडियम है, एक कड़ी है. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग इन सबको जोड़ते हैं, इस कड़ी को और इस कड़ी को, फिर रिसोर्स निकालते हैं और फिर उसको पुट इनटू यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल के लिए टेक्निकली एक्सेसिबल है, जी है, इकोनॉमिकली फिजिबल, जी है, और लास्टली कल्चरली एक्सेप्टेबल, जी हाँ है ना. और दूसरी बात, हमें इनका नो हाउ पता है, हाउ टू यूज इट हमें पता है. हमने इंजन बना रखे, हमने अलग अलग तरीके की गाड़ियां बना रखी, मोटर व्हीकल्स बना रखे, बसेस बना रखी, ट्रेन्स बना रखी, हमें पता है इनको ऑपरेट कैसे करना है. सो वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो मूविंग ऑन, हम रिसोर्स को किस तरीके से हम उसको विभाजन कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इन द रीजन. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहां से आया है, तो दो तरीके के रिसोर्स होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक. बायोटिक मींस व्हिच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, ओके, नेचुरल लाइफ व्हिच हैज लाइफ, ओके, टू बी मोर प्रिसाइज व्हिच हैज लाइफ. जैसे मैंने बात करी काओ की, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है काओ. काओ सिर्फ हमारे लिए पूजनीय या हमारी माता, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट नहीं है, वो हमारी फैमिली का मेंबर भी है, प्लस वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल सपोर्ट सिस्टम है. किसी किसान के पास अगर दो गाय है, उसकी फसल पूरी खराब हो जाती है और उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, वो दूध पिला सकता है फिर भी, तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल प्लस पॉइंट होता है. शायद इसीलिए पुराने जमाने से आज तक गाय की हमारे देश में इतनी रिस्पेक्ट है, क्योंकि कल्चर के साथ साथ इकोनॉमिकली भी उसका बहुत बड़ा स्टैंड अलोन पॉइंट होता है. ठीक है, दूसरा होता है एबायोटिक. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एबायोटिक में जो आपके जितने भी मिनरल रिसोर्सेस हैं, चाहे रेडियो एक्टिव हो, चाहे नॉन रेडियो एक्टिव हो, ये सबकी सब रिसोर्सेज आपको मिलते हैं और इसके अंदर कोई लाइफ फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी रिसोर्स तभी अच्छा माना जाता है जब वो लंबे समय तक चले, या कम से कम जो वापस से प्रयोग में लाया जा सके. तो इसके भी दो मेन डिफरेंशिएशन होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, या फिर सोलर एनर्जी, या फिर विंड, हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल वो होता है कि जिसको आपने एक बार इस्तेमाल किया और वो फिर उसके बाद खत्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपका कोल, क्रूड ऑयल, या दूसरे ऐसे चीजें जो एक बार यूज करने पर खत्म हो जाते हैं. और दूसरी बात कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हें बनने में देन इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म अगेन. ओके, अब मूविंग ऑन टू द ओनरशिप पार्ट. ओनरशिप मतलब इस पर अधिकार किसका है.